अच्छा भाई स्टार्ट लेते हैं, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा से स्टार्ट लेते हैं। इस चैप्टर का कंटेंट कुछ इस तरह से है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने फोर टॉपिक्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पहला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर इसका दूसरा टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल, और इसका तीसरा टॉपिक है एक्सरे, और इसका लास्ट टॉपिक होगा लेजर। चैप्टर का टाइटल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं। दरअसल ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक अगर आप पढ़ोगे देन यू कैन नॉट कॉल इट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बल्कि आपको इसको कहना पड़ता है एटॉमिक फिजिक्स। इट इज एक्चुअली एटॉमिक, ये एटॉमिक फिजिक्स है। Why it is atomic physics? Why it is not atomic spectra? Title तो atomic spectra है, क्योंकि अगर ये atomic spectra होता, अगर ये atomic spectra होता तो इसका पहला topic होता hydrogen spectrum, इसका दूसरा topic होता helium spectrum, इसका तीसरा topic होता lithium spectrum, और हत्ता कि इसमें जितने भी topics थे एक एक के spectrum ही discuss होते। The study of spectra is called atomic spectra. और हाइड्रोजन के एटम का स्पेक्ट्रम, हीलियम के एटम का स्पेक्ट्रम, लिथियम के एटम का स्पेक्ट्रम, बेरिलियम के एटम का स्पेक्ट्रम, सो इट मीन यू आर डीलिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वाई द चैप्टर इज एटॉमिक फिजिक्स? बिकॉज एटॉमिक फिजिक्स उन सारे प्रोसेसेस को बोलते हैं, वो सारे प्रोसेसेस जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट से हो। इलेक्ट्रॉन्स इन, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक फिजिक्स? एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हर वो प्रोसेस पढ़ते हैं जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट से होता है। तो इसमें पहला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और आप सब जानते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से। तो मैं नहीं, आप खुद समझ गए कि सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट से है या नहीं है। फिर इसके बाद अगर दूसरा होता हीलियम स्पेक्ट्रम, मैं कहता कि स्पेक्ट्रा है, लेकिन दूसरा क्या है? बोर एटॉमिक। और बोर एटॉमिक मॉडल में पहला पास्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर। दूसरा पास्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में घूमेगा जिनमें एंगुलर मोमेंटम एच बाय टू पाई का मल्टीपल होगा। तीसरा पास्टुलेट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप लगाता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। कहना क्या चाहता हूं, अगर आप बोर एटॉमिक मॉडल को देखें तो इसकी हर बात का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट से है। सो इट इज आल्सो अ टॉपिक ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। एक्सरे क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पढ़ेंगे तो इनर शेल ट्रांजिशन से पैदा होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू के शेल, के एक्सरे पैदा होते हैं। When it jumps to L shell, L X-rays पैदा होते हैं। When it jumps to L, M shell, M X-rays पैदा होते हैं। तो X-rays का भी ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट से है। और लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन में थ्री स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट और अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट और स्टेबल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाए और मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाए, द सिचुएशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, और वो भी ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से ताल्लुक रखता है। कहना ये चाहता हूं कि चैप्टर का जो कंटेंट है वो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के बेस से लिया है, वो स्पेक्ट्रम के बेस से। सो हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं, एटॉमिक फिजिक्स कहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज अ पार्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज अ पार्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। तो हमारा चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स है। पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा, किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा आप देखिएगा। हमारा पहला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्टार्ट ले रहा हूं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं बातें करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, और स्पेक्ट्रम पे बात करने के बाद फिर मैं आपको बातें बताऊंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे, इसके सीरीज वगैरह पे बात करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फिर दो फैक्ट्स हैं, थ्री फैक्ट्स हैं। एक इसका इंफॉर्मेशन है,
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी होंगी, जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जो सिर्फ एक न्यूज है या हिस्ट्री है, और फिर हम इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे और लास्ट में फिर इसकी क्वांटिटेटिव बिहेवियर या मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज, टाइम पीरियड्स के वैल्यूज या करिस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स की वैल्यूज वगैरह वगैरह, एनर्जीज, डिफरेंसेस, जो कुछ भी है वो लास्ट में पढ़ेंगे। ये मेरे इस पहले टॉपिक का स्केच होगा। अब मैं स्पेक्ट्रम पे बात करूंगा, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इंफॉर्मेशन पे बात करूंगा, और फिर आगे जहां तक हम जा सकते हैं अलोंग विद एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट हम स्पेक्ट्रम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? तो जनाब स्पेक्ट्रम क्या है? ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से जाते हैं। हमारे डिस्कशन में है स्पेक्ट्रम। द फर्स्ट सेंटेंस अबाउट स्पेक्ट्रम इज, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने जनरल लफ्ज इस्तेमाल किया, डेफिनेशन में आप 6-7 लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जगह आप अरेंजमेंट ऑफ फोटॉन्स कह सकते हो, आप अरेंजमेंट ऑफ कलर्स कह सकते हो, आप वेवलेंथ कह सकते हो, फ्रीक्वेंसीज कह सकते हो, लाइंस कह सकते हो, इवन रेस कह सकते हो। द अरेंजमेंट ऑफ रेस, द अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, द अरेंजमेंट ऑफ फोटॉन्स, द अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ, द अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लेकिन इन सब का एक जनरल जड़ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट मींस कि हर स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। हर स्पेक्ट्रम में क्या होता है? ऑल स्पेक्ट्रा करिस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेलेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप ऑर्डर में सेलेक्ट करो, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। एनी हाउ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ, द अरेंजमेंट ऑफ कलर्स इन एन ऑर्डर, अगर तरतीब के साथ अरेंजमेंट करोगे तो हम इसे क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट अ स्पेक्ट्रम। हम इसे स्पेक्ट्रम कहेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है? कि या ये असेंडिंग हो और या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या मतलब? मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दें। हाउ मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पॉसिबल अराउंड अस? हमारे आसपास कितने किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करते हैं या कर सकते हैं? बता सकते हो? 7। कितने हैं? 7 हैं। और कौन कौन से हैं? रेडियो रेज, माइक्रो रेज, इंफ्रारेड रेज और विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गेमा रेज। ये सीरीज हैं। ये क्या है? ये रेज नहीं है, ये सीरीज हैं, ये ग्रुप्स हैं। सो ग्रुप्स आर 7। द नंबर इज इनफाइनाइट। हाउ मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन एग्जिस्ट अराउंड अस? इनफाइनाइट। अब मैं प्रूफ करूंगा, डोंट वरी, जो कहूंगा लॉजिकल आंसर दूंगा। मुझे बताएं कि जिसे आप कहते हो रेडियो रे, ये यहां से शुरू है, यहां पर खत्म है। इसके बाद है माइक्रो रे, यहां से शुरू है, यहां पर खत्म है। फिर इसके बाद है इंफ्रारेड, ये यहां से यहां तक है, सो ऑन, 7 सीरीज है। अगर मैं कहूं कि रेडियो रे की इब्तिदा 0.1 से हुई, फर्जी वैल्यू है, और इख्तिताम 1.7 पर हुआ, तो हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 0.1 एंड 1.7? सिर्फ रेडियो रेस की तादाद क्या है? मतलब जो आप 7 गिनवा रहे हो या आप मुझे सीरीज बता रहे हो, लेकिन हर सीरीज में बजाते खुद इनफाइनाइट रेज है, हर सीरीज में बजाते खुद इनफाइनाइट रेज है। अब रीजन बताओ शाबाश। अगर मैं कहूं why infinite electromagnetic waves exist around us, what's the reason, what is the basic reason? शाबाश, infinite है। रेडियो रेज इस रेंज में बेशुमार है, इतने किस्म के रेडियो रेज आप गिन भी नहीं सकते हो, और इसके भी है पुअर क्वालिटी के रेडियो रेज आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, एंड बेस्ट क्वालिटी रेडियो रेज आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के साथ कॉन्टेक्ट में होने के लिए बेस्ट क्वालिटी रेडियो रेज लिया जाता है। सैटेलाइट वर्क ऑन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ रेडियो रेज, मोबाइल वर्क ऑन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ रेडियो रेज,
और ये अलग अलग है। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट रेडियो रेज हैं, फिर इनफाइनाइट माइक्रो रेज हैं, फिर इनफाइनाइट इंफ्रारेड हैं, एंड सो ऑन अप टू गामा रेज। मैं चाहता हूं आप बताएं व्हाई इट इज इनफाइनाइट, हाउ इट हाउ वी कैन से कि ये इनफाइनाइट है, द रीजन। हाँ बोले शब्द सही है, वेरी गुड, आप सही कह रहे हो। थ्योरेटिकली कहो सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें मिलता है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, और थ्योरी में हम लास्ट ऑर्बिट क्या कंसिडर करते हैं, इन्फिनिटी। सो फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट थर्ड ऑर्बिट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दुनिया में मौजूद ये लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दरमियान में कितने हैं, शाबाश, ऐसे बोले, दरमियान में कितने हैं, इनफाइनाइट, तादाद तो इन्फिनिटी है, लेकिन इसके ग्रुप्स कितने बने हैं, सेवन, ग्रुप सेवन बने हैं, तादाद इन्फिनिटी है। हम समझ गए, इतना समझ गए कि फर्स्ट से लास्ट तक जो फर्क करेगा वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसका वेवलेंथ लेमडा वन और फ्रीक्वेंसी एफ वन है, तो इसका वेवलेंथ लेमडा इन्फिनिटी और फ्रीक्वेंसी एफ इन्फिनिटी होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे स्पेक्ट्रम लेना है, क्या कैसे ले लूं, क्या करूं, स्पेक्ट्रम मींस व्हाट, तो मुझसे कहें कि सर एक स्क्रीन ले लें, उस स्क्रीन पर आप इस इन्फिनिटी वेवलेंथ से, इस इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी से कोई भी तीन चार पाँच छः आठ दस कोई भी ग्रुप ऑफ वेवलेंथ उठा लें, लेकिन स्क्रीन पर उसको ऐसे रखें कि ऑर्डर में हो, यानी या मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा हो या मैक्सिमम से मिनिमम। तो कोई भी अरेंजमेंट ऑन स्क्रीन ऑफ एनी इनफाइनाइट वेवलेंथ में से किसी भी का, यानी लेमडा वन से लेमडा इन्फिनिटी तक या एफ वन से इन्फिनिटी तक, अगर मैं यहाँ एक स्क्रीन ले लूँ, अगर मैं एक स्क्रीन ले लूँ और मैं कहूँ कि मैंने लेमडा सेवन लिया, फिर मैंने लेमडा एट लिया और फिर मैंने लेमडा नाइनटीन लिया, सो ये अरेंजमेंट एक स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, फोटॉन्स, वेवलेंथ, वेव्स, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज, रेज, लाइंस, कुछ भी है, ये अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट क्या है कि ये सबसे कम है, ये ज्यादा हो गया और ये और भी ज्यादा, तो इस तरफ से असेंडिंग में है और इस तरफ से क्या है, डिसेंडिंग में है। ये है जनाब स्पेक्ट्रम की कहानी, मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है, तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में सबसे पहले नंबर पे होता है लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बैंड स्पेक्ट्रम, और इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। और तीसरा हमारे पास क्या है, द थर्ड इज कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। इधर जो बातें बताने वाला हूं वो इन क्वेश्चन को डील करेगा, पहले एमसीक्यूज लिखता हूं, जो वहां इंटरप्रेट करूंगा उसके एमसीक्यूज इधर लिखता हूं। क्वेश्चन है आपके लिए, इधर डिस्कस करूंगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन बैंड स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यू स्पेक्ट्रम इज ऑफ ऑप्शन ए सोर्स, ऑप्शन बी ए पेरेंट्स, ऑप्शन सी विड्थ ऑफ कलर या वेवलेंथ का हो या कलर का हो, आपकी मर्जी है, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बैंड स्पेक्ट्रम में और कंटिन्यू स्पेक्ट्रम में जो फर्क होता है इनमें से कौन से होते हैं, शाबाश, ऑप्शन सी विड्थ ऑफ कलर या सोर्स या अपीयरेंस, शाबाश, इजी है, मुश्किल नहीं है, क्या होगा आंसर? अच्छा सुने, मैं आंसर ढूंढ लेता हूं। लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होते हैं जिनका सोर्स होता है एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है, और एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट और इसका अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस इस तरह होते हैं कि लार्ज गैप बिटवीन
लार्ज गैप बिटवीन टू वेवलेंथ, किसी भी दो वेवलेंथ के दरमियान जो गैप होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। क्या मतलब है मेरा, फर्ज करो ये स्क्रीन है और एक वेवलेंथ यहां पर है लेमडा वन, दूसरा यहां पर है, तो देखो गैप काफी बड़ा है। तो समझ जाना कि ये स्पेक्ट्रम किस चीज से बना है। द स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट, और इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि वेवलेंथ बिल्कुल लाइन वाली जगह पे है, ज्यादा जगह पर मौजूद नहीं है। तो अपेयरेंस ये है कि गैप बहुत ज्यादा है। बैंड स्पेक्ट्रम याद रखें कि इसका जो सोर्स होता है या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं और या वो मिक्सचर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स को आपस में मिक्स कर दो, उसके बाद उससे जो स्पेक्ट्रम बनाओगे वो स्पेक्ट्रम कहलाता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम। और इसका अपेयरेंस क्या होता है, अपेयरेंस इसका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम का जो अपेयरेंस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स होता है, यानी बैंड्स मीन के वो आपस में टच होते हैं, नो गैप। मैंने बैंड्स लिखा लेकिन गैप ना लिखो, नो गैप, दो कलर या दो वेवलेंथ के दरमियान कोई गैप नहीं होता, यानी जहां एक कलर खत्म वहां से दूसरा कलर या दूसरा वेवलेंथ शुरू। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, बट बाउंड्रीज आर क्लियर्ड, बाउंड्रीज आर, इसके बाउंड्रीज जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर और वाजे होते हैं, बाउंड्रीज क्लियर्ड और गैप जीरो, गैप जीरो, बाउंड्रीज क्लियर। फर्दर मोर कंटिन्यू स्पेक्ट्रम का जो सोर्स होता है वो हार्ट प्लस शाइनिंग ऑब्जेक्ट, यानी स्टार्स, सन वगैरह, इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम है। हॉट मीन थाउजेंड या हंड्रेड ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। तो जनाब सोर्स ऑफ कंटिन्यू स्पेक्ट्रम इज हॉट एंड शाइनिंग ऑब्जेक्ट, और इसका अपेयरेंस देखें हमारे सामने ये स्पेक्ट्रम कैसे बन के आता है। तो पहली बात ये है कि नो गैप, अपेयरेंस क्या होते हैं, इसमें लेमडा वन और लेमडा टू के दरमियान कोई गैप नहीं होता। लेकिन फर्क क्या है, नो गैप के बाद याद रख के बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर्ड, बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर्ड, इसमें बाउंड्रीज क्लियर्ड नहीं होते। अब देखो मेरा जी तो मार्कर कमजोर है, उस सस्ता नजर कमजोर है, दुआला खबर ही दी ठीक था कना आसिम खान खत्म हो। वे मरता रावड़ी एले के क्राम यो मार्कर नहीं शुरुआत से कारण कहीं ते हाल तेरा बोलेगा। अच्छा देखिए जनाब, तब तक गुजारा करें ठीक है, मार्कर आ रहा है ठीक था दस्तर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कवा भी बकार कही। सुनिएगा, अपेयरेंस में नो गैप्स प्लस बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर, लेट मी ड्रॉ इट प्लीज। रवड़ी हो दो मिनट की रवड़ी खा गुस्सा न शिया से इमरान खान वो नहीं हो। अच्छा सुनिए माय डियर स्टूडेंट, सुनिए प्लीज, ये है जनाब हमारे पास एक स्क्रीन, ये है एक और स्क्रीन और ये है एक और स्क्रीन। एक पर कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, एक पर बैंड स्पेक्ट्रम बनाऊंगा और एक पर लाइन स्पेक्ट्रम बनाता हूं, बस ठीक देखा से इंशाल्लाह ठीक दादा बोलो दावा ना ना ब्लैक रखा बोल रहा दातू नहीं बस ठीक। अच्छा एक पे लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, सुने प्लीज, अगर लेमडा वन इधर है और लेमडा टू इसके आसपास ना हो, काफी गैप के बाद हो, लेमडा थ्री इसके काफी गैप के बाद हो, तो अपेयरेंस ऐसा हुआ कि लार्ज गैप बिटवीन एनी टू लेमडास, एनी टू वेवलेंथ, एनी टू कलर। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट के एटम से बनता है और लाइन के फॉर्म में है तो लाइन स्पेक्ट्रा है। अगर आपने बैंड स्पेक्ट्रम लेना है तो स्पेक्ट्रम चैम्बर में कई एलिमेंट्स के एटम मिक्स कर दो और लेजर का प्रोसेस करो, फॉर्मेशन में पड़ेंगे। तो
तो फिर ऐसे बन जाते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये सारा लेमडा वन है, यहां से लेकर यहां तक ये सारा लेमडा टू है, ये लेमडा टू का इलाका है, फिर यहां से यहां तक फर्ज करो ये लेमडा थ्री है, ये लेमडा थ्री हुआ और आगे जो है ये लेमडा फोर हुआ। तो अगर आप देखें तो गैप्स है ही नहीं, जहां एक वेवलेंथ एक कलर खत्म वहीं से दूसरा वेवलेंथ या दूसरा कलर शुरू। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम का अपीयरेंस देखें, इनमें गैप मौजूद, लेकिन बाउंड्रीज क्या है? बाउंड्रीज क्लियर मीन कि ये जो इलाका है इससे इस तरफ वाजह तौर पर लेमडा वन है और इससे उस तरफ लेमडा टू है। कंटिन्यूस में बाउंड्रीज क्लियर नहीं होते, यानी अगर यहां यहां तक ये लेमडा वन है, इसी के अंदर से लेमडा टू स्टार्ट हुआ होता है, आपको पता नहीं चलता कि लेमडा वन कहां खत्म हुआ और लेमडा टू कहां से शुरू हुआ। अगर बाउंड्रीज क्लियर नहीं है तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, अगर बाउंड्रीज क्लियर है तो बैंड स्पेक्ट्रम है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहले बताओ क्या सोर्स में डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के सोर्स में डिफरेंस है, इट मीन कि ये ऑप्शन ठीक है ना। क्या अपीयरेंस में डिफरेंस है? बिल्कुल है, एक नो गैप क्लियर बाउंड्री और एक नो गैप और बाउंड्री क्लियर, तो अपीयरेंस डिफरेंट है, तो दोनों का अपीयरेंस भी डिफरेंट है। अब कॉमन सेंस यूज करें, अगर ये भी ठीक होता तो आंसर होता ऑल ऑफ दीज। क्या इसमें ऑल ऑफ दीज है? इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रम में बैंड या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में विड्थ ऑफ कलर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बताता हूं, डोंट वरी, करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट है। अब इस पे फर्क क्यों नहीं पड़ता? माताओ गोरी खाना, देखो गोरी, ये बाउंड्री देख रहे हो जो वाजे है, और ये लेमडा वन का विड्थ है। अगर लेमडा वन यहां ना हो, यहां तक लेमडा वन पहला हो, तो विड्थ बढ़ गया या नहीं बना? विड्थ ज्यादा हो गया, लेकिन अब भी ये बैंड स्पेक्ट्रम है। अगर विड्थ कम हो गया तो अभी भी ये बैंड स्पेक्ट्रम है। इट मीन के एक वेवलेंथ का विड्थ ज्यादा है या एक वेवलेंथ का विड्थ कम है, इस पे बैंड स्पेक्ट्रम का डिसीशन नहीं होता। डिसीशन दो बातों से होता है, तीन बातों से होता है, कि ये बना किस चीज से है, या इसके दरमियान गैप्स तो नहीं है, और बाउंड्री क्लियर है या क्लियर नहीं है। अगर लेमडा वन ने इतना इलाका घेरा हो या इतना इलाका घेरा हो, बट इट इज बैंड स्पेक्ट्रम, इट इज, समझ आ गई है। सो विड्थ ऑफ फ्रिंज या विड्थ ऑफ लेमडा वन लेमडा टू पे ये डिपेंड नहीं करता। हमने टाइप्स पढ़े, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बेसिक पॉइंट्स की तरफ आते हैं। ना ना खाना, दा ज्यादा टाइम ना ले, दा सवा न कनेक्ट की ब्याखा। दमनू निकली मास्टर, मजाक तो हुई कसंगा। फाइव थर्टी तक है ना क्लास? क्लास 5:30 तक भी है, और भाई ये लेक्चर खत्म करना है आज का, ठीक है। दरमियान में कल मुझे नहीं याद रहेगा कहां तक पढ़ाया था, एक पॉइंट है जहां पर मैं स्टॉप करूंगा, करेक्ट होगा न पोएगा हमसे सवाई होते हर सवाई जे न मन, हम देखो गोरे इधर देखें। अब बात करते हैं जनाब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बातों में से मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन वाली बातें बताता हूं। इंफॉर्मेशन वाली बातें बताने से पहले कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, जो भी बातें बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वॉज कंप्लीटली डिस्कवर्ड इन ऑप्शन ए 4 days, 4 years, 40 years, और ऑप्शन डी 4 months। ये वो बातें हैं जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने कहा ना जस्ट इंफॉर्मेशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, आपने याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, यहां जो बातें करूंगा वो इन सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे आपके। सेकेंड क्वेश्चन इज द ड्यूरेशन गैप बिटवीन लेमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज।
ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन ए टू एयर, ऑप्शन बी टू एयर्स का ड्यूरेशन था इन दोनों डिस्कवरीज के दरमियान, या ऑनली टू डेज का डिफरेंस था, ऑप्शन सी इट इज राउंड अबाउट 21 एयर, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। लेट मी पुट क्वेश्चंस भाई, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन बना लूं ताकि मुझे दरमियान में रुकना ना पड़े। जो पॉइंट्स बताने हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लिख ले बेशक। क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड क्वेश्चन है, द फ्रेडरिक डिस्कवर्ड डैश सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर, द टू सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम discovered by time difference of two air, option A Balmer Lehmann, option B Lehmann Pastern, option C Pastern bracket, और ऑप्शन डी फंड सीरीज एंड लेमन सीरीज। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, इंफॉर्मेशन बेस है भाई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप हिस्ट्री ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ोगे इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ लेमडा ए एंड लेमडा बी corresponds to series of hydrogen spectrum discovered in 1906 and 1885 respectively. ela kawali khabar hai koi khana ब्याजली कम तब मिटाऊ ब्याटाऊ खाम खा गप लगा हुई। इफ लेमडा ए एंड लेमडा बी करिस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ ऑफ दैट सीरीज डिस्कवर्ड इन 1906 एंड 1885, देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, सॉरी लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा बी, ऑप्शन बी लेमडा ए इज ग्रेटर देन लेमडा बी, ऑप्शन सी लेमडा ए इज लेस देन लेमडा बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये काफी है। अब मैं इंफॉर्मेशन वाइज बात आपको बताता हूं जिसमें इन सब के आंसर होंगे। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ओनली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टोटल कितने सीरीज हैं? फाइव सीरीज हैं। आप जानते हैं पहला है जनाब इसमें लेमन सीरीज, दूसरा है बाल्मर सीरीज, मैं इनके क्वांटिटेटिव बातें नहीं कर रहा, इनका मतलब क्या है नहीं कर रहा, वो कल की बात है, आज मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं। बाल्मर सीरीज और पास्टर्न सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। अब देखिए, लेमन सीरीज एक साइंटिस्ट लेमन ने डिस्कवर किया, और लेमन जो था वो अमेरिकन था, और ये डिस्कवर हुआ था इन 1906। लेमन सीरीज वॉज डिस्कवर्ड इन 1906, और लेमन सीरीज कौन से रीजन में होता है? अल्ट्रा वायलेट में होता है। लेमन ने डिस्कवर किया था, अमेरिकन था, 1906 में किया था,
और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करता है। बाल्मर सीरीज जो है ये बाल्मर ने डिस्कवर किया था, और बाल्मर वाज अ स्विस साइंटिस्ट, और इसके अलावा इसने ये डिस्कवर किया था 1885 में। बाल्मर सीरीज वाज डिस्कवर्ड इन 1885 में डिस्कवर हुआ, और ये एग्जिस्ट करता है कौन से रीजन में? विजिबल रीजन में। पास्टन सीरीज वाज डिस्कवर्ड बाय पास्टन, और पास्टन जो था ये था ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, और इसने ये डिस्कवर किया था 1908 में, और ये इंफ्रारेड में होता है, इट एग्जिस्ट इन इंफ्रारेड रीजन। ब्रैकेट सीरीज डिस्कवर किया था फ्रेडरिक ब्रैकेट ने, और ये भी अमेरिकन था, और ये डिस्कवर हुआ था 1922 में, और ये भी होता है जनाब इंफ्रा रेड रीजन में। द लास्ट सीरीज डिस्कवर्ड बाय फंड, ये भी अमेरिकन था, और ये डिस्कवर हुआ 1924 में, और ये भी एग्जिस्ट करता है किस रीजन में? इंफ्रारेड। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली बात, इसमें कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज नहीं है, ये आपने याद रखनी है। अब उन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, डोंट आस्क प्लीज, पहला क्वेश्चन है, समझ रहा था क्लियर ही करा था, कैसे गप लगी सफा रहा था व्यापार सर गपोला गोमा सही वही से मतलब मकसद से रहे। हाथ उठाए भाई, हाथ उठाए तो कि मैं आपको देखूं तो बात करें, स्लो बताऊं, ठहर जाऊं, ये लो ठहर गया। अब बताओ सब, लिखो लिखे, शाबाश लिखे। क्वेश्चन नंबर वन देखें, अब तो आंसर दे सकते हो ना, मतलब ये वो चीजें हैं जो समझने वाली नहीं रीड करने वाली होती है, मैंने आपको एक पेज पे बता दिया, आपके लिए आसान है। पहले ये बताओ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट हुआ कितने अरसे में? तो वैसे देखें, सबसे पहले जो सीरीज डिस्कवर हुआ था वो 18, द फर्स्ट सीरीज डिस्कवर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वॉज बाल्मर, क्योंकि 1885 में हुआ था, और 1885 एंड द लास्ट सीरीज डिस्कवर्ड इन 1924, राउंड अबाउट कितने इयर्स बनते हैं? तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन ऑप्ट 40 इयर्स, यू कैन ऑप्ट 40 इयर्स। तो बताओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कंप्लीट डिस्कवरी कितने सालों में हुई? इट इज कंसर्न्ड विद 40, तकरीबन 40 साल में, ये जिससे स्पेक्ट्रम को हम आज 40 मिनट में आराम से पढ़ लेते हैं, इसकी डिस्कवरी में 6-7 बंदों की तकरीबन पूरी जिंदगी जाये हुई है, 40 साल। समझ आ गई है ना, आधी तो होगी होगी। एनी हाउ नेक्स्ट देखें, द ड्यूरेशन गैप बिटवीन लेमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज डिस्कवरी। तो बताएं शाबाश, लेमन सीरीज कब डिस्कवर हुआ? 1906 में, और बाल्मर सीरीज, तो द ड्यूरेशन बिटवीन देम इज 15 एंड 6, कितने बनते हैं? 21 ईयर। सो इट मीन द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21 ईयर, इट इज द इंटरवल बिटवीन डिस्कवरी ऑफ लेमन एंड बाल्मर सीरीज। अगर मैं ट्विस्ट करूं और मैं कहूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए, लेमन सीरीज वॉज डिस्कवर 21 ईयर्स बिफोर बाल्मर सीरीज, ठीक है या गलत है? गलत, क्योंकि लेमन सीरीज बिफोर डिस्कवर नहीं हुआ था, बाल्मर सीरीज वॉज डिस्कवर्ड बिफोर लेमन सीरीज 2 ईयर्स बिफोर लेमन सीरीज, तो ये भी गलत है क्योंकि बाल्मर सीरीज 21 ईयर्स बिफोर। अगर मैं कहूं बाल्मर सीरीज डिस्कवर 21 ईयर्स बिफोर देन लेमन सीरीज, मानते हो ना, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह किसी भी दो सीरीज के दरमियान होता है, इट इज जस्ट अ सैंपल क्वेश्चन, आपके माइंड में हो कि इन इंफॉर्मेशन को हम इस तरह के क्वेश्चन में डाल सकते हैं किसी भी सीरीज की कंपेरिजन के लिए। द थर्ड क्वेश्चन इज, फ्रेडरिक डिस्कवर्ड कौन सा सीरीज? तो पूरा नाम था जनाब ब्रैकेट का फ्रेडरिक ब्रैकेट, समझ गए हो, और इसने डिस्कवर किया था कौन सा सीरीज जनाब? फोर्थ सीरीज। ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता हूं कि द सीरीज द फोटॉन्स द वेवलेंथ द कलर्स डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करिस्पॉन्ड्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन
इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन, नन ऑफ दीज। इंफ्रारेड क्योंकि फ्रेडरिक ने फोर्थ सीरीज डिस्कवर किया और उसका ताल्लुक कौन से है, इंफ्रारेड से है। सो हम किसी भी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, द आंसर इज ऑप्शन डी। इसका आंसर बताएं शाबाश। टू सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कवर्ड बाय टाइम डिफरेंस ऑफ टू ईयर्स, दो ईयर्स का गैप किन दो में था, बाल्मर और लेमन के दरमियान जो गैप था कितने ईयर था, इट इज 21 ईयर्स। और लेमन और पास्टन के दरमियान गैप कितना है, काउंट करो ना, लेमन और पास्टन के दरमियान गैप कितना है, पास्टन 1908 और ये 1900, तो इनके दरमियान टू ईयर्स है। अब पास्टन और ब्रैकेट का देखे, 22, ये 1908, ये 1908 है और ये 22 है, इट मीन के 14, इनमें 14 ईयर्स का गैप है। और लेमन और पास्टन के दरमियान कितना गैप है वो खुद देख लें। द करेक्ट, ये सॉरी, फंड और लेमन, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी ठीक है। ये वो दो सीरीज है जो दो साल पहले और बाद में प्रूव हुए, एक पहले आया दो साल और एक दो साल बाद में आया। मैं पहले कह रहा हूं कि जस्ट सैंपल वर्डिंग है, मॉडिफाई हो सकते हैं, आप इससे ऐसे एडॉप्ट कर सकते हो कि अगर मैं कहूं लेमन सीरीज वॉज डिस्कवर्ड टू ईयर्स बिफोर पास्टन सीरीज तो ये ठीक है, लेकिन पास्टन सीरीज डिस्कवर्ड टू ईयर्स बिफोर लेमन सीरीज ये बात फिर गलत है, समझ गए हो ना। इंटरवल भी लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज नॉट एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इट इज नॉट अ लिटिल बिट इंफॉर्मेटिव, इसमें आप अ लिटिल बिट टेक्निकल वर्ड्स भी यूज करोगे, बताएं क्या है शाबाश, व्हाट्स द आंसर, कैसे जज करोगे। लेमडा ए और लेमडा बी के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, व्हाट विल बी द आंसर, क्या होगा, एक मिनट, ऐसे जज करो, लेमडा ए का ताल्लुक किस चीज से है, वहां रीड करें, लायमन से, गौर से देखें, इसका ताल्लुक लायमन सीरीज से है और लायमन सीरीज कौन से रीजन में होता है, अल्ट्रा वायलेट में, और लेमडा बी का ताल्लुक किस चीज से है, बाल्मर से, और बाल्मर सीरीज का ताल्लुक किस चीज से होता है, और आप जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और विजिबल की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स, तो अल्ट्रावायलेट वाला वेवलेंथ कम होगा और विजिबल वाला वेवलेंथ, इट मीन के जो बी है वो ज्यादा है और जो ए है वो, सो द करेक्ट आंसर इज दैट लेमडा ए इज लेस देन लेमडा बी, या लेमडा बी इज ग्रेटर देन लेमडा ए, ये हमारे पास आंसर होगा इसका, दैट लेमडा बी इज ग्रेटर देन लेमडा ए। अगर मैंने गलत सर्कल किया तो ठीक कर दे, मैंने आइडिया बता दिया। एक क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर बेशक भागे, आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो यकीन करें मैं भी सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, समझ आई है ना, तो आप अगर पतली गली से निकलना चाहते हो तो मैं मोटी गली से निकलना पसंद करूंगा, क्वेश्चन सुने और भागे। माय क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है जनाब, इफ टू फोटॉन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिटेक्टेड इज ए एंड बी करिस्पॉन्ड्स टू फंड एंड पास्टन डिस्कवरीज, देन ऑप्शन ए लेमडा ए इज ग्रेटर देन लेमडा बी, ऑप्शन बी एफ ए इज लेस देन एफ बी, ऑप्शन सी सी ए इज ग्रेटर देन सी बी, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। शाबाश, कौन सा आंसर ठीक है या कौन सा गलत, वैसे हाँ वन ऑफ दीज तो है वो तो मैं मानता हूं, अगर मैं जनरल क्वेश्चन एक और करूं, जहन में आया
इसकी जगह वो करना चाहिए था। मैं जनरल बात करूं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये राइटिंग बोर्ड एक स्क्रीन है, और यहां से लेकर ये फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और ये लास्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो इन सारे फोटॉन्स में कौन सा फैक्टर कभी भी सेम नहीं हो सकता? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी लैम्डा और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी कभी सेम, और स्पीड हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फोटॉन से लेकर लास्ट फोटॉन तक स्पीड क्या रहेगा। तो इट मीन कि ये ऑप्शन क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। अब सीधी सी बात है, मैंने कहा कि एक फंड सीरीज से ताल्लुक रखता है, तो एक का ताल्लुक फंड सीरीज से है, और फंड सीरीज कौन सा रीजन होता है, इंफ्रारेड, और बी का ताल्लुक किससे है, पाश्चन से है, शाबाश, और इसका ताल्लुक किस चीज से होता है, अब बताओ, दोनों इंफ्रारेड रीजन से आ गए, अब क्या होगा आंसर? अवल खसान वगना अवल खुच अल्ट्रावायलेट अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता वेवलेंथ कमी, और इंफ्रारेड अगर वेवलेंथ ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी कमी, उसको दोबारा रीजन पर इंफ्रारेड की दी, अब क्या करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम यूज होगा, ऑर्डर, क्या ऑर्डर, स्पेक्ट्रम हमेशा तरतीब में होता है। अब गौर से देखे प्लीज, बात सुने बस जाएं, ये फर्स्ट सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, फर्स्ट सीरीज ये कहां लाए करता है, अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट, खबर अब हुई गई, फिर बाल्मर दूसरे नंबर पे है, ये कहां लाए करता है, तो भाई ये दो का पोजीशन बता रहा है कि आप फंड की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस, तो अब दोनों इंफ्रारेड में है, लेकिन फंड वाला इंफ्रारेड जो है वो पाश्चन वाले इंफ्रारेड के बाद है, और ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम इंप्लाइज कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और पाश्चन वाले की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उस तरफ जा रहे हो, देखो किधर गया, लेमन सीरीज से फंड सीरीज की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एंड वेवलेंथ इंक्रीज, हालांकि दोनों का ताल्लुक किससे है, इंफ्रारेड से है। द करेक्ट आंसर इज कि ए जो है वो फंड से है, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज्यादा, और दूसरा पास्ट है तो इसका वेवलेंथ कम होगा। इट मीन एफ बी इज लेस देन एफ ए, मैं गलत कह रहा हूं, लेमडा बी इज लेस देन लेमडा ए, ये बात बिल्कुल ठीक है, तब खबर अब हुई गई, और वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी इनवर्स थी कना, तो अगर लेमडा बी कम है तो एफ बी क्या होगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। समझ गए हो, असि तक रवानी में कहूँ खाना चिकम सबक वाई हो नहीं चिकम न आई रोजा से खिस्सा मजेदार बारू देखा, और इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे साढ़े चार बजे, साढ़े चार बजे क्लास होती है, चार बजे ठीक है भाई, चार से पाँच पंद्रह तक रोजाना क्लास लेंगे, और कल मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आपको बताऊंगा। थैंक यू।